हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भी नया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि एक कढ़ाई में जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसे एकदम गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम मतलब उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने आपको पोहा दिखाया है, मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है और मैंने अभी एक कप डाला है, बाद में मैं एक कप और ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब घी एकदम गर्म होगा तभी डालना है। अगर आप कम गर्म पर डाल देंगे ना, तो जो ये हमारा पोहा है ना, ये बहुत घी एब्जॉर्ब कर लेगा, और तेज़ गर्म रहता है तो ये फूट जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये देखिए, मैंने एक कप और ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, इसको लगातार आपको टर्न करते रहना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो इसका कलर नीचे से ब्राउन होने लग जाएगा, तो ये जला जला सा लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार इसे चलाते रहना है, ये चलाते चलाते में ही भुज जाएगा। और क्या करना है कि टेम्परेचर मीडियम रखना है। और मैंने इसमें कभी हरी मिर्च डाली है, ऐसे लंबा लंबा काट के डाल दिया है रैंडमली, और मैंने पहले नहीं डाला था। ये जो इतना इसका टेम्परेचर गर्म होता है ना, कि उससे ही एकदम क्रिस्पी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आपको इसे इसी तरीके से फ्राई करना है, रोस्ट करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, मीडियम से ज़्यादा नहीं करना है, और इसे लगातार चलाते रहना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ये देखिए, बिल्कुल ये एक एक अलग हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना अच्छा लगता है आप डाल लीजिए। ये देखिए, ये मेरा जो है ना पोहा, ये चूड़ा, ये बिल्कुल एक एक दाना अलग हो गया है। ये देखिए, फ्राई हो गया है, एक एक जो है आपको दिख रहा होगा, एकदम इक्वल एक जैसे हो गया है सारा। अब हमारा जो, ये देखिए मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ ना, ये हमारा एकदम एक एक दाना इक्वल बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गया है। अब मैंने निकाल दिया उसे, और उसी कढ़ाई को मैं दोबारा गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून डाला है मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी मूँगफली, अगर आपको मूँगफली अच्छी लगती है तो डालिए, मुझे अच्छी लगती है तो मैं डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कढ़ाई हमारी पहले से गर्म है। और इसमें मैंने बीच में एक वेल क्रिएट किया है, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई, जो छोटी वाली राई होती है ना सरसों, वो ये पहले नहीं डालना है क्योंकि वो डालने पे चटक के उड़ के चली जाती है दूसरे के घर में। और ये मैंने डाल दिया है हींग, हींग से जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी जब मैं इसमें जो हमारा पोहा हमने फ्राई किया ना, इसमें मिक्स करूँगी, तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे अच्छे से चलाना है, इसको आप चलाते रहिए, मिक्स कर दीजिए। वैसे तो हमारा पोहा ऑलरेडी भुना हुआ है, फ्राई किया हुआ है ये, तो इसमें टाइम तो लगना नहीं है। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें जो भुजा जीरा होता है ना, वो 1 टीस्पून डाला मैंने, और थोड़ा सा लाल मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने जब पोहा फ्राई किया था तो उसमें सादा नमक डाला हुआ था, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और जो हमारा फ्लेम है उसे आप ऑफ़ कर दीजिए। तो चलिए अब लास्ट स्टेप, मटर फ्राई करते हैं। अब मैंने कढ़ाई गरम की है, इसमें मैं डाल रही हूँ जो सरसों का तेल होता है ना वो, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल नहीं डाला है, मटर के लिए सरसों का तेल लिया। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं जीरा, और मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन, जो सफ़ेद वाली लहसुन होती है ना वो, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिए। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मटर से गैस बनती है और लहसुन जो है वो गैस पास करा देता है। और मैंने डाल दिया है ये हरी मिर्च और ये मटर, अब ये अच्छे से फ्राई कर देना है। आप मटर को एकदम अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ढक के, थोड़ी देर ढक के छोड़ देना है 2 मिनट, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, और इसे ढक दूंगी, और 2 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मटर जो है वो लगभग तैयार है, एक बार आप फिंगर से ऐसे प्रेस करके देख लीजिए कि आपका मटर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि सबके मटर की क्वालिटी अलग होती है। और मैंने ऐड किया अभी 1/4 टीस्पून जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है ना वो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस मटर अब रेडी हो गया है, आप अपना मटर चेक कर लीजिए। और मैंने अभी ये देखिए प्रेस करके चेक किया है, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है, मटर अब रेडी है। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक दीजिए और फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि एक प्लेट लेना है, उसमें नीचे मटर जो ऐसे डाल देना है, पहली लेयर रहेगी मटर की, उसके बाद रहेगी जो हमारा फ्राइड पोहा है ना उसकी लेयर, मतलब नीचे सॉफ्ट फिर क्रंच, इसी तरीके से हमें लेयरिंग कर लेनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और मटर डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा ये जो हमारी नमकीन थी क्रिस्पी वो डाल रही हूँ। एक बार इसे बस हल्का सा मिक्स कर दीजिए, बहुत मतलब प्रेशर देके नहीं मिक्स करना है, ऐसे नॉर्मल बस कर देना है।
और मैं थोड़ा सा मटर और डाल रही हूँ। फिर उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये प्याज, मैंने काट के रखा हुआ था, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो मत डालिए। और मैं ये नायलॉन सेव डाल रही हूँ, जो पतली वाली सेव आती है ना वो, अगर आपके पास नहीं है तो आप भुजिया डाल सकते हैं या जो भी आपको नमकीन पसंद हो वो आप डाल लीजिए। और ऐसे मटर और धनिया से लास्ट में सजा दीजिए और ये हमारी जो चूड़ा मटर की चाट है ना वो रेडी। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, जब मुँह में एक सॉफ्ट और एक क्रंच का लेयर मुँह में आता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।